फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं फिजिक्स। इसमें 600 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 601 से आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है? तो अमीटर का प्रतिरोध संट के अपेक्षा इसका कम होता है, ठीक है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, अमीटर आप जानते हो, संट क्या होता है? अब देखो, संट कुछ नहीं, संट एक तरह का, एक आप बोल सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लगाने के बाद, यह है गैल्वेनोमीटर। अगर है इसमें आप अगर संट लगा देते हो तो बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी इससे आप फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि अमीटर और संट, इस दोनों में रेजिस्टेंस कम किसका होता है? ये होता है अमीटर का। विद्युत बल में तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा के दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो क्या मिलेगा? तो क्या होगा? तो अपवाह वेग बढ़ जाएगा। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ रहा है। अब देखो, ये अगर वायर है तो इसी को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बोल रहा है कि अगर धारा इधर से फ्लो कर रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी इधर से फ्लो कर रहा है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी इसका शेप इस तरह से होगा, ये बढ़ता जा रहा है। अब बोल रहा है कि यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो यानी आगे बढ़ रहे हों तो क्या होगा? तो अब देखो, जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, क्या हो जाएगा? अपवाह वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है, तो धातु के तार में विद्युत का प्रभाव क्या होता है, किसके कारण होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? तो टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में कैसी ऊर्जा होती है? ये होती है रासायनिक ऊर्जा। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी क्या क्या होती है? ये होती है ग्रहणशीलता। यानी अगर आप फ्लक्स घनत्व लेते हो और चुंबकीय क्षेत्र लेते हो, इसका अनुपात लेते हो, तो ये आपको क्या दिखाएगा? ये उसका ग्रहणशीलता दिखाएगा। कास्टिंग या ढालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष निकाले जा सकते हैं। अब देखो, आप कुछ भी अगर ढालते हो, ये ढालने के प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है। इसमें जो इंटरनल फॉल्ट होगा वो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो उसको हम निकाल सकते हैं अल्ट्रासोनिक परीक्षण से। कैसे निकाल सकते हैं? अल्ट्रासोनिक परीक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल रिएक्शन है? कौन सा है? लोहा छड़ का चुंबकन। आप अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है लोहा छड़ का, उसमें आप चुंबक सड़ाते हो फिर हटा सकते हो, तो ये एक कैसा प्रोसेस है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, ये केमिकल रिएक्शन है। धातु का संचरण, ये भी केमिकल रिएक्शन है। और लोहा का जंग लगना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो आपका फिजिकल बस एक वही है। निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें से रासायनिक कौन सा नहीं है? लोहा में जंग लगना, ये रासायनिक है, ठीक है। पानी का भाप में बदलना, ये आपका रासायनिक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। धारा को मापने का मापक विधित क्या है? यह है एमएफपी। कौन सा ये? यह है एमएफपी। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ का क्या काम होता है? ये होता है एनोड के रूप में, ठीक है। कार्बन की छड़, जो आपका ड्राई सेल होता है उसमें कार्बन का छड़ किस तरह से यूज होता है? ये होता है एनोड के रूप में। बैटरी के घनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो जो आपका बैटरी होता है उसका जो पॉजिटिव पोल होता है उसमें से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एनोड। और जो निगेटिव पॉइंट होता है उसको कहा जाता है कैथोड। प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के घनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चक्र। क्या बोला जाता है? एक प्रत्यावर्ती प्रमात्रा है, इसका एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एक चक्र।
इनमें से कौन भिन्न है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सबसे अलग कौन है? प्रतिरोध, धारिता, अवरोध, तो ये हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, कैलोरी एक सबसे अलग है, प्रतिरोध, धारिता, अवरोध ये सब इलेक्ट्रिसिटी से है और कैलोरी आपका हीट से है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह गोला क्या होगा, क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। क्या बोला जा रहा था आपको? बोला यह जा रहा है कि एक उदासीन धातु का गोला है, ठीक है, इसको किसके संपर्क में लाते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज कांच का छड़ है उसके संपर्क में लाते हैं। तो अब अगर उसके संपर्क में उदासीन गोला को लाएंगे तो ये क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ठीक है, उच्च वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो हाई टू लो वोल्टेज कौन करता है? ये करता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, यदि विद्युत आवेशी दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा, यदि कौन सा ऐसा कंडीशन लागू होगा? यदि दोनों का विभव समान होगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का समान हो गया, पोटेंशियल समान हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चाहिए। ठीक है, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। निम्नांकित में से कौन सा लौह चुंबकीय है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से लौह चुंबकीय कौन सा है? निकल, बिस्मत, क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम। तो यह आपका निकल, निकल लौह चुंबकीय है। वाट को प्रकट कर सकते हैं, तो वाट को कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट में लिख सकते हैं, गलत है, नहीं लिख सकते। कैलोरी में नहीं लिख सकते, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, वाट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल पर सेकेंड में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो वाट को प्रकट कर सकते हैं किस रूप में? तो जूल पर सेकेंड में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? यह है ऊर्जा की इकाई। करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि अगर करंट ले जाने वाला दो समांतर तार, इसके बीच में जो बल लगेगा वह किसके परिभाषा को परिभाषित करता है? तो वह करता है एम्पेयर के परिभाषा को परिभाषित। ठीक है, तो एम्पेयर का परिभाषा हमको यहां से मिलता है कि दो तारों, दो अगर कंडक्टर है, कंडक्टर तार है, इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वह एम्पेयर के परिभाषा को परिभाषित करता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किनके द्वारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने अवलोकित किया था सबसे पहले? यह क्या था? ऑस्टेंड ने। किसने किया था? ऑस्टेंड ने सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वह ऑस्टेंड के द्वारा खोजा गया था। हेनरी इकाई किसका है? तो हेनरी इकाई किसका है? यह है स्वप्रेरकत्व का। फेराडे संख्या कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो। फेराडे संख्या कितना होता है? तो यह होता है 9.65 × 10⁷ कूलम। एक फेराडे संख्या कितना होता है? यह होता है 9.65 × 10⁷ कूलम। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में लिया जाता है, ये को नहीं ये मे है। ठीक है, जर्मेनियम क्रिस्टल में फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में लिया जाता है। अब ये बोला क्या जा रहा है यहाँ पे? अब देखो, एक होता है डोपिंग। ये डोपिंग क्या होता है? जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हो तो उसमें एन टाइप, पी टाइप, इस तरह का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है जर्मेनियम क्रिस्टल को जब आप डोप करते हो फास्फोरस और एंटीमनी से, ठीक है, किससे आप डोप करते हो? डोपिंग एक प्रोसेस है जिससे आप अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में बना मिलाते हो कुछ इम्प्यूरिटीज, ठीक है, जैसे आप जर्मेनियम में कुछ इम्प्यूरिटीज मिलाओगे तो वह या तो पी टाइप का बनेगा या एन टाइप का बनेगा, तो इस तरह का सेमीकंडक्टर में होता है प्रॉपर्टीज। तो आपको बोला जा रहा है कि आप डोप करते हो जर्मेनियम क्रिस्टल को किस चीज से? फॉस्फोरस और एंटीमनी से। तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा एक एन प्रकार का अर्धचालक। कैसा अर्धचालक बनेगा, कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा? तो एन प्रकार का। ठीक है, तो ये एक बार खत्म हो जाने के बाद मैं थोड़ा कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह है, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है तो मैं लेने का कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो। ठीक है, नहीं तो फिर जब मेरा क्लास सेशन में चलेगा तो फिर मैं सब चीज़ एक बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है आपके पास,
इसलिए जितना डाटा आपको मिलता है उतना आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ताकि थोड़ा ही सही लेकिन जो पढ़ो आप कंप्लीट पढ़ो, ठीक है, फिर आगे का देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अति चालक दिखाता है, तो एक अति चालक कैसा प्रॉपर्टी दिखाता है? जो भी आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी एक अति चालक दिखाएगा? अति चालक दिखाएगा डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो एक अति चालक यानी सुपर कंडक्टर कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? ये करता है एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसा? तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित किया जाता है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है, यह किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यूनिट धनात्मक चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिट धनात्मक चार्ज के द्वारा। क्या परिभाषित किया जाता है? ये किया जाता है किसी चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत दर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप का क्या कार्य होता है? ये होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप? ये होता है कि अगर कहीं पे भी चार्ज है, किसी भी वातावरण में या कहीं पे भी अगर चार्ज है, तो उसको पहचानने के लिए आप किसका यूज करते हो? आप करते हो इलेक्ट्रोस्कोपी का यानी विद्युत दर्शी का, या इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? आप सब जानते हो इसको, ओम में मापते हैं हम लोग। 1 फेराडे बराबर होता है, तो 1 फेराडे कितने के बराबर होता है? ये होता है 1 कूलम पर वोल्ट। कितना होता है? 1 कूलम पर वोल्ट, यानी 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, या 1 कूलम पर 1 वोल्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट होता है 1 फेराडे। नीचे दिए हुए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। किसी पदार्थ या तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुआ है, विलयन से गुजरने वाले आवेश यानी चार्ज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, पहले मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। आंसर है बी, विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे का प्रथम नियम क्या है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नियम है इसका? इसका नियम है किसी पदार्थ या तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुआ है, विलयन से गुजरने वाला आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज का, कोई भी एक तत्व का द्रव्यमान यानी मास जो इलेक्ट्रोलाइट से अभी अभी मुक्त हुआ है यानी फ्री हुआ है, ठीक है, इस सॉल्यूशन से गुजरने वाला आवेश, ये विलयन जो है, उस सॉल्यूशन से गुजरने वाला चार्ज जो भी होगा उसका वह अनुक्रमानुपाती होगा। ये कौन कहता है? यानी प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन कहता है? ये कहता है विद्युत विश्लेषण यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। आप इस चीज को यहां से याद रखो कि जो भी चीज है, जो भी तत्व है, उसका जो मास है वह इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुआ है, तो उसका जितना भी चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट से गुजरा है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी उसके प्रोपोर्शनल होगा। बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि बड़े बड़े भवन में विद्युत चालक लगाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। क्यों लगाया जाता है? बादलों से आवेश हटाने यानी चार्ज हटाने के लिए और उसको जमीन तक गुजर जाने के लिए। ये विद्युत चालक आप इसको दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हो कि देखो एक कंडक्टर लगाया जाता है जिसको आप तड़ित चालक भी बोलते हो, ठीक है। आप देखते हो बड़े बड़े बिल्डिंग के घर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर ये त्रिशूल आकार का लगाया जाता है जिसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका का यूज क्या है? इसको जमीन से जोड़ा जाता है, अगर कोई भी यहाँ पे थंडर या कुछ भी अगर गिरेगा बिजली, तो उसका करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा जमीन में और घर को या आसपास में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो किस यंत्र से आप विद्युत ऊर्जा माप सकते हो? ये किलोवाट घंटा मीटर, ठीक है। आपके घर में जो बिजली बिल आता है वह किसवे कौन से मीटर से मेजर किया जाता है? किलोवाट घंटा मीटर। और आपका जो घर का बिजली बिल आता है उसका यूनिट होता है किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर। एक एसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो कौन, जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, कौन कौन सा पार्ट एक जनरेटर में होता है? आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबकत्व होता है, स्लिप रिंग और बुशेस ये होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। एक एसी जनरेटर में ये सब होता है, आर्मेचर भी होता है, क्षेत्रीय चुंबकत्व भी होता है,
और स्लिप रिंग और बुशेस भी होता है, ठीक है। तो ये सभी होते हैं एक जनरेटर में। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में डैश होती है। देखो ये मैंने बहुत बार आपको बताया, जैसे ये मैग्नेट आप लेते हो तो इसमें आप देखते हो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, आप इसको देखोगे ये आपस में पैरेलल होता है ना, बस आपको वही पूछा जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आप मार सकते हो। क्या होता है, समांतरता समान दूरी पर होता है, क्या होता है ये पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है। अगर एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाओं को आप आपस में देखोगे तो ये कैसा होगा, ये पैरेलल होगा और इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं क्या, तांबा, टंगस्टन, मृदु लोहा और स्टील। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, यह है मृदु लोहा। कौन सा है, मृदु लोहा। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या रिलीज करता है, ये करता है अल्फा एवं बीटा कण। क्या करता है, अल्फा और बीटा कण। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, यह है न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, यह हुआ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन से चालक हैं? तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से चालक कौन सा है, तो यह है आपका एल्यूमिनियम। चीनी मिट्टी नहीं है, अभ्रक नहीं है, कांच नहीं है, तो कौन सा है, यह है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सबसे खराब चालक कौन है, यह है कार्बन। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? शीशा संचायक बैटरी में कैसे एसिड का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, आप सब जानते हो, ठीक है। अगला है, इसमें आपको गलत कथन चुनना है, यानी जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से गलत कौन है। एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, यानी ये आपको बोल रहा है कि मैग्नेटिक पोल जो है वो सिर्फ या तो नॉर्थ रह सकता है या साउथ रह सकता है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब भी पोल बनेगा वो दोनों बनेगा, दो पोल बनेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एकल पोल कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर यही सही है, क्योंकि आपको गलत चुनना था तो ये गलत है। किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु को आप अति चालकता देखना चाहते हो तो उसको निम्न ताप तक आप ठंडा कर दोगे तब उसमें अति चालकता नजर आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम मीटर, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम मीटर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, ये होता है कूलम, आप सब जानते हो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है यूनिट, ये होता है कूलम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।